ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो आप वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड करना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, एंड उसके बाद आप सभी को पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद गाइस, आप सभी को जाना है ऐसे ड्रॉ टूल में। ठीक है, तो ड्रॉ टूल का जो गाइस काम है ना, यहाँ पे काफ़ी थोड़ा मतलब कि यहाँ पे आप सभी को थोड़ा वीडियो ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे आप सभी को करना है, आप सभी को जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। एंड गाइस, यहाँ पे जो शेडो वगैरह है ना गाइस, इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा मतलब कि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने शेडो कैसे क्रिएट करी है, एंड आपको भी सेम वैसे शेडो क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है मॉडल को यहाँ पे लगा लिया है। तो उसके बाद आप सभी को शेडो बनानी, तो गाइस शेडो कैसे बनानी है वो मैं आप सभी को बताता हूँ। तो गाइस, पहले मैं अपने मॉडल को अच्छे से फिक्स कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा मॉडल लगा लिया है, एंड उसके बाद जाना है सबसे को लेयर में। लेयर में जाने के बाद गाइस, आप सभी को जो एक लेयर बनानी है, एंड इस लेयर को आप सभी को गाइस मॉडल के नीचे रखनी है। ठीक है, अभी गाइस एक लेयर बनाई है, इसको मॉडल के नीचे रखना है। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को यहाँ से ब्रश के साइज को फुल कर देना है, एंड इसकी जो ओपेसिटी आपको अराउंड 30 तक रखनी है। ठीक है, अराउंड 30 तक रखनी है, एंड यहाँ से कर देना है सेट। ठीक है गाइस, तो उसके बाद आप सभी को सिंपली इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे अच्छे से पेंट करना है। ठीक है, थोड़ा सा डार्क शेडो बनानी है नीचे की तरफ। एंड गाइस, अभी शेडो का काम पूरा यहाँ पे नहीं हुआ है, अभी हमें काफ़ी मतलब ये एक लेयर और बनानी है। ठीक है, दो तीन लेयर और बनेंगी, तो अभी एक लेयर बनाई हमने ये वाली। एंड उसके बाद इसके साइज़ को आपको थोड़ा छोटा, एंड इसकी जो ओपेसिटी आपको 10 तक रखनी है। एंड उसके बाद आप सभी को ये जो लेयर थी आपको मॉडल के ऊपर ही रखनी है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे पेंट करना है, जैसे कि गाइस आप सभी को वीडियो में दिख रहा है। ठीक है, तो आप सभी को इस तरीके से पेंट करना है, एंड ये वाली जो लेयर है आपको इसको ऊपर ही रखना है। ठीक है, एंड एक लेयर और बनाते हैं अभी हम, तो यहाँ से एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ से एक लेयर बना लेते हैं, एंड इसको भी आपको मॉडल के ऊपर ही रखना है। एंड उसके बाद जो वहाँ पे आपको ये ऊपर की तरफ आपके मॉडल के जो पैर है उसके ऊपर आप सभी को शेडो क्रिएट करनी है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तभी डार्क शेडो बनेगी एंड ये मैच होएगा बैकग्राउंड से तभी। ठीक है, तो आप सभी को कुछ इस टाइप से ऐसे शेडो बना लेनी है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को यहाँ पे डोजन बन करना, तो एक लेयर बनाते हैं एंड ऐसे व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड ब्रश की ओपेसिटी को कुछ फुल रख के एंड ओपेसिटी कम कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे साइज़ को हम थोड़ा छोटा करते हैं ब्रश की। एंड उसके बाद आपसे कुछ इस तरीके से आपको अपने बॉडी के ऊपर से पेंट करना है। एंड यहाँ पे आप सभी को एक एक बारी पैरों के ऊपर करना, क्योंकि आपने यहाँ पे डार्क कर दिया है पहले ही, तो यहाँ पे एक एक बारी पेंट करना आप सभी को। एंड देखिएगा गाइस, यहाँ पे हमारा डोजन बन भी हो चुका है। तो गाइस, अगर आपको उसकी ओपेसिटी ज़्यादा लगे तो आप इसको सिंपली यहाँ से लेयर से जाके एंड यहाँ से नीचे से कम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइस, काफ़ी अच्छी शेडो क्रिएट कर लिया हमने, है ना। तो अब बात आती है हमारी गाइस, अब इसमें कुछ पीएनजीज की। तो ये क्या करना है आप सभी को, यहाँ से जाना है सबसे को ऐड फोटो में, एंड मैंने आप सबको ये लाइट का पीएनजी दे रखा है, तो आप सभी को इसको ले लेना है। एंड इसको एडजस्ट में जाके इसका ह्यू जो चेंज करना है। ठीक है, तो इसके ह्यू को हमें यहाँ पे लेकर आना ऑरेंज कलर में। ठीक है, तो हम इस कलर में ले आते हैं, एंड उसके बाद हम यहाँ पे ला के एंड यहाँ से कर लेते हैं सिंपली डन। ठीक है, तो इसको डन करते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद जो इसका ब्लेंडिंग मोड है आप सभी को रखना है इसको स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन रख देते हैं। एंड उसके बाद आप सबको सिंपली जो आपके ये क्राउ के ऊपर जो ये वाला पीएनजी लगा हुआ है ट्राइंगल का, तो आपको सिंपली आपको अपने हेयर के पास लेकर आना है, एंड यहाँ पे रेजर टूल में जाके इन्वर्ट कर देना है। एंड उसके बाद आपको ब्रश पे सिलेक्ट करके एंड सिंपली आपको इस तरीके से यहाँ पे अपने जो मतलब आपके जो हेयर्स हैं इनके ऊपर ऐसे इस तरीके से पेंट करना है। ठीक है, तो ऐसे कर लेना है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे अच्छे से जो मतलब बाहर का एरिया आ रहा होगा उसको अच्छे से इरेज कर लेना है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि टाइम लगा करना है, थोड़ा सा यहाँ पे आपसे इधर उधर हो जाएगा, ध्यान देना कि गाइस आपके बाहर ना जाइए कलर। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद आप सभी को यहाँ पे मैं पहले पूरा अच्छे से यहाँ पे पेंट कर देता हूँ पूरे में। एंड यहाँ पे हो जाने के बाद तो जो गाइस हमारा पिक्सल का काम था यहाँ पे, तो अभी तो हो गया इतना। ठीक है, तो अब बात आती है हमारे फेस के ऊपर जो डोजन बन करना था हमें, अब तो अभी हम इसको यहाँ पे पहले डन करते हैं। ठीक है, ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, एंड यहाँ पे ओपेसिटी को इतना रखते हैं अराउंड 80 तक। ठीक है, 90 तक रख लेना। ठीक है, अराउंड इसको 90 तक रख देना ओपेसिटी, एंड कर देना डन। एंड उसके बाद आप यहाँ पे पहले चलते हैं ब्लर में। ठीक है, तो पहले एफएक्स चलते हैं, पहले हम एफएक्स में, एंड एफएक्स में जाने के बाद हमें यहाँ पे जाना ब्लर में। ब्लर में जाने के बाद गाइस इसका जो अमाउंट है इसको कवर करना है 2 या 3 तक। ठीक है, 2 तक रखोगे तो बेस्ट है, बट 3 तक भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट 2 तक रखना। एंड ऐसे इन्वर्ट कर देना है, ब्रश में जाकर आपको उसके साइज़ को छोटा कर देना है। एंड साइज़ को छोटा कर देने के बाद सिंपली आप सभी को अपने फेस के ऊपर कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट करना है। ठीक है, तो इसके बारे में आप सभी को मैं बता चुका हूँ गाइस कि अगर हम इस पर पेंट क्यों कर रहे हैं अभी हम, तो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, एंड अभी जिसको नहीं पता तो मैं बता दूंगा। हम जब मॉडल को छोटा करके लगाते हैं ना बैकग्राउंड में, तो हमारे जो मॉडल के पिक्सल्स होते हैं थोड़े से खराब हो जाते हैं, तो इसको ये ब्लर करने से ना हमारा जो फेस है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इतना। एंड उसके बाद जाना आप सबको टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद गाइस जाना आप सभी को एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, एंड ऐसे रेजर टूल में जाकर इन्वर्ट कर देना है, ब्रश के साइज को थोड़ा छोटा कर देना है, एंड ऐसे आप सभी को जाना जूम करना है। एंड उसके बाद आप सबको एक पेंट यहाँ पे कर देना है, और फिर उसके बाद एक यहाँ पे कर देना है, एंड एक यहाँ पे कर देना है, और एक यहाँ पे नेक पे भी कर देते हैं, एंड यहाँ पे कर देने के बाद और एक यहाँ पे भी थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से तो कर देना है डन। एंड उसके बाद जो इसका ओपेसिटी कर देना है कम। ठीक है, अराउंड 5 या 8 तक रख देना है, एंड ऐसे कर देना है डन। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को
यहाँ का जो ड्रो टूल काम था यहाँ तक हमारा हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से चलेंगे यहाँ से ड्रो टूल में, ठीक है। तो पिक्सार्ट का काम है जो भी सारा हो गया, तो अब बात आती है हमारी कलर कलेक्शन की। तो ठीक है, तो हम यहाँ से थ्री डॉट्स पर क्लिक करके फोटो कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ से चलते हैं हम सिंपली बैक एंड चलते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर, ठीक है। तो गाइस जब तक अभी हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, और यार अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपकी एक लाइक से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है, एंड यार वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार आप सभी को जो भी वीडियो मिले, जो भी मैं वीडियो डालूँ उसके अपडेट सबसे पहले मिले। तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए गाइस आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो अब आप सभी को करना क्या, फोटो यहाँ पे ओपन कर लेना है, एंड यहाँ पे ओपन कर लेने के बाद आप सबको लाइट्स में जाना है, लाइट्स में जाने के बाद कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड इसके बाद जो हाईलाइट है इसको कम कर देना है, ठीक है। तो हाईलाइट्स को थोड़ा बढ़ा देना है, एंड शेडो को भी बढ़ा देना है, ठीक है। एंड जो ये वाइट है इसको आप सभी को कम कर देना है, एंड ब्लैक को जो आप सभी को उसको भी कम कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जाना आप सबको कलर्स में, एंड उसका जो वाइब्रेशन इसको बढ़ा देना है, टेम्परेचर को माइनस कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को कलर मिक्स में, कलर मिक्स में जाने का दो रेंज कलर को लेना है, इसके सेचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को जो है येलो कलर इसके सेचुरेशन को थोड़ा माइनस कर देना है, एंड यहाँ से जाना आप सभी को ब्लू कलर में, एंड जिसका ह्यू है इसको माइनस में कर देना है, एंड जिसका सेचुरेशन है इसको भी माइनस में कर देना है, ठीक है। एंड इतना कर देने के बाद यहाँ से कर देना आप सभी को डन, एंड यहाँ से जाना आप सभी को कलर्स के नीचे वाले टूल में, एंड उसके बाद आप सभी की जो फोटो क्लियरिटी आप सभी को उसको इंक्रीज कर देना है, फोटो में हल्का सा विग्नेट डालना है, ठीक है, फोटो में हल्का सा विग्नेट डालना है। एंड उसके बाद जो ग्रेन अमाउंट है इसको भी आप सभी को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड ग्रीन अमाउंट को बढ़ा देने के बाद आप सबको उसके नीचे वाले टूल में जाना है, एंड उसके बाद आप सबको शार्पनेस को बढ़ा देना है, एंड जो नॉइज़ रिडक्शन इसको भी बढ़ा देना है, एंड जो कलर नॉइज़ रिडक्शन इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है, क्योंकि कलर्स का जो भी नॉइज़ होगा सारा गायब हो जाएगा। तो इतना कर देने के बाद आप सबको कलर्स में जाना है, एंड थ्री पॉइंट्स में जाना है, एंड इसका जो शेडो है इसको आप सभी को ब्लू टोन में ले जाना है, ठीक है। आपको जो सा टोन अच्छा लगता होगा आप उस टोन में ले जाना है ना, बाकी आपकी मर्जी है, बट यहाँ पे ब्लू टोन काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आपको ब्लू टोन करना चाहिए, बाकी यार आपकी मर्जी है, आप चाहो तो कोई और टोन भी ले सकते हो, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सबको डन कर देना है, एंड उसके बाद जाना आप सबको यहाँ से सिलेक्टिव टूल में, सिलेक्टिव टूल में जाने के बाद आप सबको प्लस पे क्लिक कर देना है, एंड थर्ड वाला ऑप्शन ले लेना है, एंड उसके बाद आप सबको सिंपली से प्रेस करते ऊपर की तरफ लाना है, एंड यहाँ से एक्सपोजर को इसके कम कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको यहाँ पे डन कर देना है, एंड अगर यहाँ पे जो हमारी सॉरी इसको आप सभी को ये सर्कल वाला ऑप्शन भी ले लेना है, एंड इसको थोड़ी क्लियरिटी को इंक्रीज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे तो ये डुप्लीकेट हो गया, इस तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इसको रिमूव करते हैं यहाँ से हम, तो इसे प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पे रिमूव ऑप्शन आता है, इसको रिमूव कर देंगे, एंड इसके बाद प्रेस करेंगे, एंड इसको कर देंगे हम इन्वर्ट, एंड इसके बाद आप सबको यहाँ पे जाना क्लियरिटी वाले ऑप्शन में, एंड इसकी क्लियरिटी को बढ़ा देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको कर देना है डन, एंड गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है गाइस, आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और यार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, एंड यार आप लोग यार कमेंट नहीं करते यार, तो यार प्लीज़ यार कमेंट करके मेरे को बताना यार कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ यार कमेंट जरूर करना है ना। और बाकी यार मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।